नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय रखने वाला हूँ, जो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। आप जैसे भी जानते सब लोग, जहाँ हम लोग रहते हैं एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। और जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, सिर्फ गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ना इट्स अ गुड साइन, अच्छी गर्मी बढ़नी चाहिए। लेकिन ठंड में भी गर्मी, ठंड उतनी नहीं पड़ती, ठंड में भी गर्मी पड़ रही है, ये लक्षण ठीक है। इसको हम लोग को सीरियस लेना चाहिए। और हाल के स्टडीज में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च करके बताया है कि जो एक शहर का टेम्परेचर होता है, जैसे एक देश का होता है, एक स्थान का होता है, किसी का, जैसे एक अर्थ है, अर्थ का एक बेसिक एवरेज टेम्परेचर नापा जाता है किसी भी मौसम में, जैसे भी, तो उसका एक बेसिक जो टेम्परेचर निकल के आता है पूरा, उससे 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है, और ये बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेगा तो बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, सी वाटर लेवल जब बढ़ता है तो सुनामी आती है, प्रलय आ सकती है। प्रलय तो बहुत ही भयानक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे विषय ये आता है कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, और जिस तरह टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़े, हम मनुष्यों के लिए भी एक न्यूनतम तापमान होता है, एक एवरेज टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं आराम से। लेकिन अगर उससे ऊपर टेम्परेचर जब पहुँचेगा तब क्या स्थिति होगी। जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता हूँ, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तगड़ी गर्मी पड़ती है। यहाँ का टेम्परेचर कभी 45 के ऊपर बहुत ही रेयरली जाता है, एक आध दिन, लेकिन हर दिन 45 के ऊपर रहना, 46 जाना नॉट अ गुड साइन, ये अच्छे संकेत नहीं है। और ये संकेत यही बताते हैं कि आबादी के बढ़, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी तो लोग संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करेंगे, जिस तरह संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से उन संसाधन, जाहिर सी बात है, उनसे हीट निकलेगी। अब मनुष्यों से हीट निकलती है, तो मशीनों से हीट निकलती है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। और वो दो दिन दूर नहीं जब 50 डिग्री सेल्सियस एंड 52-53 डिग्री सेल्सियस आम बात होगी, जब लोग घर में बंद रहेंगे, बाहर निकलना है प्रलय टाइप, कहेंगे पेंडेमिक हो गया। मेरे हिसाब से कोविड की वजह से आप लोग घर में बंद रहे, गर्मी की वजह से हम लोग घर में बंद रहना पड़े, बाहर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लोग मर सकते हैं बाहर निकल, कोई चिंता का विषय कोई ध्यान देना चाहिए। और एक सोल्यूशन यही हो सकता है कि मैंने जैसे आपका जिक्र किया, जनसंख्या बढ़ गई, देखिए जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उनके रिसोर्सेज, उनका जो कंज्यूमिंग लेवल है चीज़ों का, वो बढ़ता है। जैसे भाई जिनसे एक परिवार है 5 लोगों का, उसमें कोई ऑफिस जाता है तो गाड़ी का यूज़ करता है, कोई खाना बनाता है, परिवार है, खाना तो खाएगा ही, तो खाना बन रहा है, टीवी चल रहा है, एसी ऑन है, ये सब चीज़ें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बंद कर दें, सारे परिवारों को ख़त्म कर दें तब सही होगा। लिमिटेड यूज़ कुछ समय के लिए करना चाहिए, हम लोग को सबको मिलके यूनाइटेड होगी। आजकल की थिंकिंग ये बन रही है, लोग ये करते हैं कि अगर आपने सोचा कुछ करने को और फिर मन में आता है मेरे अकेले करने से क्या, दूसरा तो कर नहीं रहा तो उसका कोई फ़ायदा पहुँचने नहीं वाला, 10 में से एक करेगा तो कोई फ़ायदा सही मिलेगा।
10 में से 2 करेंगे तब भी नहीं होगा, अगर 10 में से 3 लोग करते हैं तो फ़ायदा होगा। तो हमें यही करना है कि 10 में से 3-4 लोग करना शुरू करें, तो उनको देख के 5 लोग करें। जिस तरह आप इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया ऐप पर देखते हो, कोई भी ट्रेंडिंग चलता है उसको लोग रील बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ऐसे रिसेंटली किसी ने गाना गा दिया कच्चा बादाम, लोग करते जा रहे हैं उसको, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं और फेमस हो गया इसने गाया। ऐसे ही ये सब इश्यूज पे क्यों नहीं ट्रेंड होता है, क्यों नहीं ट्रेंड होता है कि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो लोग उस पर आगे कुछ करने की सोच रहे हैं, तो किसी ने कुछ किया हो तो उसको लोग करते चले जा रहे हैं। जो चीज़ फायदे की उसको नहीं करके, जो चीज़ घाटे की उस पर लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में यही होगा कि जिस तरह आज कोविड की वजह से सबको घर में बंद रहना पड़ा, उसी तरह गर्मी की वजह से लोगों को एक समय के बाद घर में बंद रहना पड़ सकता है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी हुआ था स्कूल का टाइमिंग 12 बजे तक कर दिया, लेकिन संकेत दे दिया गया पहले से ही स्कूल की टाइमिंग 12 बजे कर देगी, गर्मी बहुत पड़ रही है। फिर 12 बजे करने का कोई मतलब नहीं होता है, 12 बजे कर दोगे तो आप गर्मी तो तभी 10 बजे से चालू हो जाती है, और रात में भी गर्मी होती तब तो सूरज होता ही नहीं। तो इसके लिए हो सकता है सबको सारे काम दिन में करने होते हैं, तो दिन में लोग बाहर नहीं निकलेंगे, घर में बंद हो जाएंगे और टेम्परेचर 50 अबव पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव लेने चाहिए बहुत अच्छे अच्छे, सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार भी सोच रही है। लेकिन तब तक जो लोग उन्हें वोट नहीं करते हैं, जो लोग उन्हें वोट करते हैं वो लोग जब तक कोई बातें नहीं बोलें, अपनी इनिशिएटिव ना लें, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने वही एग्जांपल दिया, जब तक कोई चीज़ ट्रेंड होती है तो होती चली जाती है। तो ये सब चीज़ें ट्रेंड होनी चाहिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उनके लिए कुछ बचा नहीं है, फिर लोग उनको अच्छा एटमोसफेयर नहीं देंगे। पर्यावरण जो मैंने शुरू में बोला था, यही विषय था, ये विषय उठाना चाहिए हमें, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है, मिट्टी बचाओ अभियान जो सदगुरु जी ने स्टार्ट किया था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसी से रिलेट करता है, क्योंकि वो भी प्रकृति से जुड़ा ही हुआ है, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों को मर्ज है एक प्रकार से, कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना और ये सेफ सॉइल वाला जो मूवमेंट है, ये दोनों एक हो सकते हैं। हम लोग करने भी चाहिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है सिर्फ गर्मी के मौसम में नहीं बढ़ रही है, ठंड में भी गर्मी बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से जो एक पीरियड होता था समर का, वो बढ़ गया है और ठंड कम हो गई है, तो बहुत ही घाटे का ये चीज़ है हमारे लिए। तो हमें इस पर सोचना चाहिए, हम सोचेंगे तभी कुछ ट्रेंड करेंगे। तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू सो मच। अगर इस पर हम लोग कुछ करेंगे तो ही अच्छा है, नहीं तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी बोल ले, कितना भी कह ले, जब तक 10 में से 5 या 6 लोग नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 10 में से एक आदमी जो कर रहा है उसका मैं माइंड में आएगा ही आएगा कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। सोचना चाहिए कि उस अकेले की मेहनत निकाल रहा है, उसका साथ दें। नमस्कार।